प्रेस क्लब प्रखंड इकाई बरकट्ठा का वन भोज सह मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न। एशिया के सबसे गर्म जल कुंड व ऐतिहासिक पर्यटक स्थल सूरजकुंड धाम स्थित डाक बंगला परिसर में प्रेस क्लब प्रखंड इकाई बरकट्ठा का वन भोज सह मिलन समारोह संपन्न हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेस क्लब बरकट्ठा के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद व संचालन सचिव रामकृष्ण पांडे ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष गोपाल प्रसाद ने कहा कि पत्रकार समाज में दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। पत्रकारों के व्यक्तित्व की पहचान हमेशा उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता व समाज में निस्वार्थ भाव से किए कार्यों से होती है। इसलिए हम लोगों को निर्भीक व निष्पक्ष पत्रकारिता से ही संगठन की पहचान और मजबूती प्रदान बनेगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत साव ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जिसकी अहमियत सामाजिक कल्याण व क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम सभी को निर्भीकता व निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए। वहीं प्रखंड प्रमुख रेणु देवी ने कहा कि पत्रकार का कार्य बहुत ही जोखिम भरा कार्य है, जहां लोगों को अपने जान जोखिम में डालकर खबरों का संकलन कर जन जन तक खबरों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहीं उपस्थित सभी पत्रकारों व अतिथियों ने एक साथ में मिलकर वन भोज कार्यक्रम का लुफ्त उठाते हुए एक दूसरे को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं व बधाई दी। मौके पर पुलिस निरीक्षक श्याम चंद्र सिंह, भाजपा सांसद प्रतिनिधि केदार साव, बरकट्ठा थाना प्रभारी गौतम कुमार, पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि अशोक गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि उमेश कुमार समेत प्रेस क्लब प्रखंड इकाई बरकट्ठा के समस्त पदाधिकारी व पत्रकार उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि पत्रकारों के द्वारा एक स्वच्छ पत्रकारिता की जा रही है, साथ ही किसी भी मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग भी सच्चाई को आगे बयान करते रहें, यही हम आशा करते हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे प्रखंड अध्यक्ष गोपाल जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो आज कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी बीड़ा उठाया। आज की बैठक के बाद हम लोगों का वन भोज कार्यक्रम आयोजित, एक साथ बांधने का काम किए, एक साथ करने का काम किए हैं और आप लोगों का समर्थन दे करके हम लोगों को यह जिज्ञासा बढ़ाता है कि संगठन में बहुत ताकत होती है। संगठन जो है, संगठन को कोई नहीं जीत सकता है। जिनका संगठन मजबूत है उसके सामने बड़े बड़े दोस्तों अधिकारी से लेकर पदाधिकारी, चाहे वो राजनेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी होते हैं, पत्रकारिता की ओर बढ़ रहे हैं। और उसी संदर्भ में हम लोग आज एकजुट हुए हैं। बैठक सामान भोज का कार्यक्रम का आयोजन है। हम लोगों को चाहिए निष्पक्ष पत्रकारिता में। देखते हैं हम लोग कि नेता लोग वही ध्यान देते हैं जहां उनका वोट बैंक है। आज झारखंड सरकार या भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। आज जब महीने की होड़ आती है, गांव तक पहुंचती है, ग्राम सभा होती है, तब उसमें जो तेज चरार लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़ करके दबे कुचले लोगों को दबा करके वो आगे निकल जाते हैं। वैसे लोगों पर हम लोगों को ध्यान देना है कि सरकार की जो कल्याणकारी योजना है के भी विकास कराया जा सकता है। इसलिए इस बिंदुओं पर उन बातों को हम लोग को समझना होगा, हम लोग को आगे कार्य करना होगा। और अब हम समय नहीं लेते हुए हम लोगों के बीच प्रमुख साहिबा पहुंचे हुए हैं, हम इनसे आग्रह करेंगे। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए, इन एसोसिएशन विद सांध्य दैनिक, विरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।